इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट डे वन हाईलाइट्स में आपका स्वागत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया पहला एक घंटा बहुत ही बढ़िया खेले, ओपनर्स उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड बहुत बढ़िया खेले, पर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अश्विन ने स्ट्राइक किया, ट्रेविस हेड को चलता किया अश्विन ने, रविचंद्र अश्विन की कमाल की गेंद और ट्रेविस हेड बड़ा शॉट लगाना चाहते थे और रविंद्र जडेजा ने पकड़ा कैच मिड ऑन पर और इंडिया को मिली पहली सफलता और ड्रिंक्स के बाद ये सफलता अश्विन को मिली, टीम इंडिया के लिए पहली सफलता। ट्रेविस हेड को चलता किया, ट्रेविस हेड बहुत अच्छा खेल रहे थे, 32 रन बनाकर आउट हुए ट्रेविस हेड। इंडिया को दूसरी सफलता ही बहुत जल्दी मिली और मोहम्मद शमी ने ये सफलता दिलवाई, लबु शेन को बोल्ड कर दिया मोहम्मद शमी ने, कमाल की गेंद मोहम्मद शमी की। इस गेंद पर लबु शेन के पास कोई जवाब नहीं था और बहुत ही बढ़िया गेंद मोहम्मद शमी की, ये देखिए गेंद मोहम्मद शमी की जिस पर लबु शेन आउट हुए और इंडिया को दूसरी सफलता मिली और मोहम्मद शमी के लिए आज के दिन की पहली सफलता अर्जित की मोहम्मद शमी ने इस गेंद पर। ये देखिए ये गेंद क्या सेफ पोजीशन पड़ी और सीधा स्टंप्स में ये गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद मोहम्मद शमी की और ऑस्ट्रेलिया को लगा दूसरा झटका मानस लबु शेन के रूप में। मोहम्मद शमी के लिए पहली सफलता, टीम के लिए दूसरी सफलता अर्जित की मोहम्मद शमी ने, मानस लबु शेन सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए, इंडिया को 2 विकेट बहुत जल्दी जल्दी मिल गए नेक्स्ट ब्रेक के बाद। पहला सेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए और इंडिया के लिए बराबर रहा, 2 विकेट इंडिया को मिले और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे खासे रन बनाए। दूसरे सेशन में स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई, बहुत बढ़िया साझेदारी हुई दूसरे सेशन में और दूसरे सेशन में कोई विकेट नहीं गिरा, ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया दूसरा सेशन, स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने बिल्कुल डोमिनेट किया, बिल्कुल बहुत बढ़िया बैटिंग की दोनों ने और दूसरे सेशन में एक विकेट भी नहीं गिरा, दूसरे सेशन में 4 रन बने और 75 रन बने। दो सेशन के बाद तीसरा सेशन स्टार्ट हुआ, तीसरे सेशन में रविंद्र जडेजा ने इंडिया को दिलाई सफलता, स्टीवन स्मिथ को बोल्ड कर दिया रविंद्र जडेजा ने इस गेंद पर। टी के बाद दूसरी ओवर में इंडिया को सफलता मिली और तीसरा विकेट भारत को मिला स्टीवन स्मिथ के रूप में, रविंद्र जडेजा को मिली आज के दिन की पहली सफलता इस बॉल पर, रविंद्र जडेजा की यह बॉल स्टीवन स्मिथ को इनसाइड एज लगा और बॉल पैड पर लगी और सीधा स्टंप्स को टकरा गई और स्टीवन स्मिथ इस तरह आउट हुए, रविंद्र जडेजा का शिकार बना स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे थे पर रविंद्र जडेजा ने उन्हें आउट किया और बात को मिली तीसरी सफलता, स्टीवन स्मिथ हुए आउट 38 रन बनाकर। स्टीवन स्मिथ के आउट होने के बाद पीटर हैंडसकम क्रीज पर आए और उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंडसकम के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई थी, तभी मोहम्मद शमी ने स्ट्राइक किया, मोहम्मद शमी कमाल की गेंद और पीटर हैंडसकम को बोल्ड कर दिया मोहम्मद शमी ने, बहुत ही बढ़िया गेंद लाजवाब गेंद मोहम्मद शमी की, मोहम्मद शमी को आज के दिन की दूसरी विकेट मिली और टीम के लिए चौथी सफलता अर्जित की मोहम्मद शमी ने। ये देखिए कमाल की गेंद मोहम्मद शमी की, पीटर हैंडसकम को पीटर हैंडसकम के पास कोई जवाब नहीं इस गेंद का और सीधा स्टंप को टकरा गई ये गेंद और टीम इंडिया को मिली चौथी सफलता पीटर हैंडसकम के रूप में और मोहम्मद शमी को आज के दिन की दूसरी सफलता मिली, पीटर हैंडसकम हुए आउट 17 रन बनाकर। उसके बाद उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन के बीच हुई एक लाजवाब साझेदारी, उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, कैमरन ग्रीन काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और उस्मान ख्वाजा ने अपना शतक पूरा किया इस शॉट के साथ, उस्मान ख्वाजा का शतक पहला शतक इस सीरीज में और बहुत ही बढ़िया पारी उस्मान ख्वाजा ने खेली और डोमिनेट किया आज बिल्कुल उस्मान ख्वाजा ने शुरू से आखिर तक, उस्मान ख्वाजा भी खड़े हैं नवाद पारी उस्मान ख्वाजा की और डे एंड तक उस्मान ख्वाजा क्रीज पर हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोए हैं, ये दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 4 विकेट खोए और 255 रन बना लिए हैं। ये थी डे वन की हाइलाइट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।